स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर सुपौल से, जहां पुलिस ने छापामारी कर अलग अलग जगहों से अंतरजिला गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। उक्त आशय की जानकारी देते हुए SP मनोज कुमार ने कहा कि पिछले महीने जिले में लगातार हुई 4 आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। पिछले महीने लगातार हुई 4 घटनाओं को लेकर पुलिस छानबीन शुरू की, जिसके बाद बाजार में लगाए गए CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए अपराधियों को पकड़ा गया। बताया गया कि अपराधियों द्वारा जिस कपड़े का उपयोग किया गया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार 4 अपराधियों के पास से 2 बाइक, 1 पिस्टल, 3 कारतूस और लूट की नगद 1,12,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। SP मनोज कुमार ने बताया कि अपराधियों का यह गिरोह वर्ष 2016 से ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बीच में आपराधिक घटनाओं को इन्होंने बंद कर दिया था, जिसके बाद हाल के दिनों में इस गिरोह ने फिर से सिर उठाया और लगातार कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अंतर जिला लूट गिरोह है जो पिछले महीने सुपौल में लगातार 4 घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया, लेकिन जिले में जो CCTV लगाने का अभियान चला था उसका प्रतिफल आया कि अपराधी उन कपड़ों के साथ पकड़े गए हैं। गिरफ्तारी के बाद वो कपड़े रिकवर हो गए हैं जो कि CCTV में आए थे, और 4 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 3 कारतूस, 1,12,030 रुपये के साथ ये अपराधी पकड़े गए हैं। घटना में शामिल होने का पर्याप्त वैज्ञानिक और अन्य प्रमाण प्राप्त हुआ है। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास है। वर्ष 15-16 से ही ये लोग लूट की घटना को कारित करते रहे हैं। बीच में शांत पड़े थे, लेकिन जैसे ही सिर उठाया है लगातार तबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन 2 टीमें बनाई गई थी, एक त्रिवेणीगंज DSP के नेतृत्व में, एक STPO सदर के नेतृत्व में, लेकिन पूरे ज़िले में छापामारी हुई। हमारे तीनों DPSP ने काम किया है और सफलता को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से जो ये दवा व्यापारी को खास करके जो टारगेट कर रहा था, जो अपराधी का गिरोह, उसमें निश्चित रूप से लगाम लगेगा। आगे भी जब भी कोई अपराध होगा तो हम चाहेंगे कि हमारी टीम इसी तरह काम करे और पुख्ता प्रमाण के साथ में अपराधी को सलाखों के पीछे भेजे, सजा कराए। अभी इसी सिलसिले में बता देना चाहता हूँ कि आज एक बड़ी सजा हुई है शराब माफिया के खिलाफ। इसके पहले छोटे छोटे जो रिकवरी होते थे उसमें सजाएं हो रही थी, लेकिन इस बार जो बड़ी रिकवरी हुई थी उसमें सजा हुई है और 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और 1,00,000 रुपया का उस पर जुर्माना भी लगाया गया है।